गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5 द बर्थडे पार्टी ऑन पेज नंबर 36 एक्सरसाइज सी. आंसर दीज क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैव रवीज फ्रेंड एंड कजिन्स कम टू हिज हाउस. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं चिल्ड्रेन? रवि के फ्रेंड और हिज कजिन और उसके जो कजिन ब्रदर और सिस्टर थे कम टू हिज हाउस, आखिर उसके घर क्यों आए? द आंसर इज रवीज फ्रेंड एंड कजिन हैव कम टू हिज हाउस फॉर द बर्थडे पार्टी. रवि के फ्रेंड्स और उसके कजिन उसके घर रवि के बर्थडे पार्टी के लिए आए थे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज ड्रेस्ड इन अ पिंक ड्रेस एंड सिल्वर शूज. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पिंक ड्रेस और सिल्वर शूज में कौन है? द आंसर इज सीना. सीना इज ड्रेस्ड इन अ पिंक ड्रेस एंड सिल्वर शूज. सीना कैसे कपड़े पहनी है? पिंक ड्रेस एंड सिल्वर शूज. ओके चिल्ड्रेन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड, व्हाट डू रवि एंड हिज कजिन्स वांट टू ओपन आफ्टर द पार्टी. आखिर रवि और उसके जो कजिन हैं वो क्या ओपन करना चाहते हैं पार्टी के बाद? द आंसर इज रवि एंड हिज कजिन्स वांट टू ओपन द गिफ्ट्स आफ्टर द पार्टी. रवि और उसके जो कजिन है वो पार्टी के बाद गिफ्ट्स को ओपन करना चाहते हैं. ओके चिल्ड्रेन, आई होप यू अंडरस्टूड द ऑल क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. वन थिंग मोर चिल्ड्रेन, आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ आपको राइट किया है, राइट करते हुए आप देख रहे हो, इस तरीके से आपको भी अपनी टेक्स्ट नोटबुक में राइट करना है. हाउ? फर्स्टली यू हैव टू मेंशन डेट एंड विच डेट यू हैव टू राइट and day, after that chapter number, chapter name and instruction, answer these questions and after that you have to write questions और जब तक आपकी उस लाइन में स्पेस होगा तब तक आप उस लाइन पे राइट करोगे. ऐसा नहीं है कि मैम कजिन से स्टार्ट कर रही है नेक्स्ट लाइन तो आप भी कजिन से, जब तक आपकी एक लाइन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप उस लाइन में लिखते रहोगे और जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप नेक्स्ट लाइन पे आओगे. नाउ अगेन उसके बाद आप आंसर न्यू लाइन से स्टार्ट करोगे. ओके, आंसर एंड होने पर नाउ अगेन आप जब क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करोगे तो फिर से आप नई लाइन से स्टार्ट करोगे एंड सेम एज आंसर फिर से वो न्यू लाइन में होगा. ओके चिल्ड्रेन, इसी तरीके से आप नीट एंड क्लीन अपने टेक्स्ट नोटबुक में राइट करोगे, उसके बाद उस सारे क्वेश्चंस के आंसर को लर्न भी करोगे.